इना बच्चों नू स्कूल दे विच पूरी रात कटनी पई क्योंकि यह बच्चे स्कूल दे विच ही फस गए जिस कारण परिवारक मैंबर भी काफी परेशान हो चुके ने। पिंड वासियां वल्लों बच्चों नू खाना दिता जा रहा है। दरअसल भारी बरसात तो बाद नदियां नालियां दे विच उफान है। टीचरां ने इना बच्चों नू 15 अगस्त मनाउण लई बुलाया सी पर यह बच्चे स्कूल दे विच ही फस जांदे ने। दसना बनता है कि स्कूल दे विच तीन पिंडा दे विद्यार्थी फस गए ने। हालांकि बच्चों नू रेस्क्यू करन लई कोई भी इंतजाम नहीं है। फागी दे स्कूल दे विच इह बच्चे फसे ने। नदियां दे विच उफान है जिसके चलते रस्ते पूरी तरह बंद हो गए ने। हर पासे पानी अपने उफान ते वग रहा है जिस विचों लंघना खतरे तो खाली नहीं है। पिछले 27 घंटे तो बच्चे स्कूल दे विच फसे ने। तकरीबन 42 बच्चे इस स्कूल दे विच दसे जा रहे ने जो स्कूल दे विच फस गए ने, जिन्हां नू स्कूल दे विच ही पूरी रात कटनी पई अते पिंड वासियां दे वल्लों ही बच्चों नू खाना मुहैया करवाया जा रहा है। दसना बनता है कि जयपुर दे विच हड़ वर्गे हालात बने हुए ने, पर बीते दिन 15 अगस्त होने के चलते स्कूल प्रशासन दे वल्लों बच्चों नू स्कूल दे विच बुलाया गया सी, जिस तो बाद भारी बरसात हुई ते हड़ वर्गे हालात बन गए। नदियां अपने पूरे उफान ते पहुंच गईयां जिस कारण बच्चों नू स्कूल दे विच ही रुकना पिया। जानकारी मुताबिक तीन पिंडा दे बच्चे इस स्कूल च फसे ने अते बच्चों नू रेस्क्यू करन लई कोई इंतजाम नहीं किया गया। प्रशासन की कोई टीम रेस्क्यू लई नहीं पहुंची। फिलहाल बच्चों ने अपनी एक वीडियो जारी की है जिस दे विच उन्होंने दस्सिया है कि किस तरह हो इस स्कूल दे विच अपना दिन काट रहे ने ते किवें खाना उन्होंने मिल रहा है ते अपने हालात दसे ने। हम 15 अगस्त को सुबह 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए विद्यालय में पहुंचे तो हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होने के बाद आधे घंटे बाद में भारी वर्षा होने के कारण हम यहाँ समेलिया गांव में बस चुके हैं और हमारे स्टाफ ने समेलिया गांव की ढाणियों के बच्चों को उन ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया है। और हम मासी नदी के बाहर के बच्चे मोरडी धुआले के बच्चे करीब लगभग 30-35 बच्चे हैं, हम यहाँ फंसे हुए हैं और हमको सुबह का खाना बना के खिला दिया गया था और शाम का भी खिला दिया गया और गांव वालों ने हमारे सोने की उचित व्यवस्था कर दी थी और हम सुबह का खाना भी यहीं स्कूल में बना कर खा ली है। हम सब सुरक्षित है। धन्यवाद।